In this section, I will be explaining the very interesting concept of behavioral finance. Behavioral finance is a subfield of behavioral economics. And the entire concept of behavioral economics or behavior behavioral finance depends upon this principle that the human beings, when they take any decisions, they get influenced by different types of Psychological factors and biases, so if we are specifically talking about financial decision making by the investors or financial practitioners, then we narrow down the scope of behavioral economics to behavioral finance so of financial decision making a procedure co explainvo psychological effects ya. बाय से इन्फ्लुएंस होता है तो इसका मतलब है कि हम बिहेवियरल फ़ाइनेंस की बात कर रहे हैं बिहेवियरल फ़ाइनेंस के अंदर हम डिफरेंट तरह की इन्फ्लुएंसेस लेते हैं जो कि बाइसिस की वजह से होती है वो कौन सी बाइसेस होती हैं उनको अभी हम सबसिक्वेंट सेक्शंस में बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे और इस बाइसिस की वजह से देर आर अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट एबनॉर्मैलिटीज़ और अनोमिलीज़ जो कि हैपन होते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा ट्रेड, ट्रेडिशनल जो हमने अभी तक जितने भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के मॉडल्स को डिस्कस किया है या थेरीज को डिस्कस किया है हम उनमें एक जो बेसिक एज़म्पन लगाते हैं वो ये है कि जो हमारा इन्वेस्टर है जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स uh, हैं कंसल्टेंट्स हैं एडवाइजर्स हैं या कि, कि, किसी भी कैपेसिटी में लोग बैठे हुए हैं वो तमाम रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं लेकिन असल में जब देखा जाए रियल वर्ल्ड में तो बहुत सी ऐसी की बाइसिस होते हैं जो कि इंसान उन मुख्तल चीज़ों से असरअंदाज होता है उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसको असरानंदाज करते हैं उनके फ़ैसलों को जहाँ वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी डिसीशन मेकिंग कर रहे होते हैं तो बिहेवियरल फाइनेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिस दैट कैन क्रिएट That can result in different types of anomalies or abnormalities which we see happening in the financial sector.